लड़के रहे हो, मरने तो बताओ। चुप। भाई जी मरने पता तो चल रहा है ना। अरे आदि बेटा, के बात से कुछ चाहिए? कोई परेशानी से ना? कुछ ना। कुछ नहीं तो फिर वही मुंह क्यों लटका रखा है, है? तो परसों करवा चौथ से ना? हाँ तो के हो? के हो? हेलो, नमस्ते बहन जी, मैं विद्या की माँ। हाँ कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बहन जी। वो बात कैसे ना कि हम सब लोग चाहते थे कि करवा चौथ पे आप हमारे घर पे आ जाते, इसी बहाने मिलने का मिलना हो जाता जी। और विद्या और गौरव जी के साथ साथ आदि और प्रिया भी व्रत खोल लेते। हाँ हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बहन जी हम सब नहीं आ सकते। मैं प्रिया और इमली को जरूर भेज दूंगी। पर इमली और प्रिया के साथ अगर आप सब लोग भी आ जाते तो अच्छा लगता। आदि भी ना बच्चों की तरह जिद करता है, लास्ट मोमेंट पे सब कुछ कैंसिल करना पड़ेगा। सबसे पहले मेहंदी वाले को मना करना पड़ेगा, उसके पास वहां विद्या की माँ भी परेशान हो रही होंगी। लास्ट मोमेंट पे इतना सारा बंदोबस्त, प्रिया और विद्या का पहला करवा चौथ है, कैसे संभालेगी वो? क्या करूं? हेलो बहन जी, मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि इब तो तन्ने व्रत रखना ही पड़ेगा, वरना के कहवे की दुनिया वालों तक क्यों व्रत नहीं रख रही हैं? भाई बड़ा अफसोस हो रहा से मन्ने, अक तेरे सारे प्लान सरकारी योजनाओं की तरह धरे के धरे रह गए। किसने कहा मैं व्रत रखूंगी? मारा साजन जी आपने मेरी जगह किसी और को दे दी, मेरा सिंदूर तक किसी और को दे दिया। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपके लिए व्रत रखूंगी? यही तो रखी थी। तेरे ते माफी मांगूंगा तो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगे। बस यूं समझ ले, तन्ने तेरी अमानत, तेरा हक लौटाना चाह रहा हूं। आपकी हर बात के पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। अब पूछ सकती हूं इसका मतलब क्या है?